हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज कट कर लिया, ये हमारा लाइनिंग है और ये नीचे हमारा ब्लाउज है। मैं आपको इसका साइज बताती हूँ। देखिए, जो उसकी हमने लंबाई ली है वो 15 इंच है, तैयार में 13.5 इंच आएगा। 1.5 इंच हमने नीचे लिया फोल्ड करने के लिए। देखिए, हम 34 साइज का बना रहे हैं तो मैंने डबल फोल्ड में 8.5 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6.5 इंच लिए, मुड्डी भी हमने 6.5 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की कुलाई दी है। देखिए, हमने लाइनिंग भी कट किया है और ब्लाउज भी। तो हम पहले इसका नेक कट करेंगे, लाइनिंग पे कट करेंगे, ब्लाउज हम साइड पर रख लेते हैं। देखिए, शोल्डर से हम 3 इंच में निशान लगा लेते हैं। इस तरह हम 3.5 इंच तक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए, सेम ड्रॉ पे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह। और देखिए, हम ये बैक ओपनिंग बना रहे, हमने बीच में से कट कर दिया है। अब सेम ड्रॉ के ब्लाउज पे भी कट करेंगे हम। देखिए, हम ब्लाउज पे भी नेक कट कर देंगे, बीच में से भी कट कर देते ब्लाउज। देखिए इस तरह। अब इसके लिए हम कैनवास कट करेंगे। ठीक है, कैनवास मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इसे हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब सेम ड्राफ्ट हम कट करेंगे। इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम 1 इंच लेंगे। देखिए, इसमें हमने कट कर लिया है, हम बीच में से भी कट करेंगे इसे। देखिए, नीचे हम ब्लाउज रखेंगे सीधा, इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे हम और इसके ऊपर हम कैनवास रखेंगे और इस तरह राउंड में सिलाई लगाएंगे और अंदर पलट देंगे हम इसे। देखिए, इसके लिए हम हुक के लिए पट्टी और आई के लिए पट्टी कट करेंगे। देखिए, हम आई के लिए पट्टी सेम ब्लाउज की बनाएंगे, तो इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं इसे। इस तरह चौड़ाई लेंगे, 3.5 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिए। अब हुक के लिए पट्टी लाइनिंग में से कट करेंगे, तो इस तरह इसे भी डबल फोल्ड कर लेते हैं और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे। देखिए, हमने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इसमें हम बॉल्स बनाएंगे, तो हम बॉल्स लगाएंगे इसमें हम। तो इस तरह डबल फोल्ड कर लेते हैं इस तरह और इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, सेम इस तरह कट करेंगे, बीच में से भी कट करेंगे। देखिए इस तरह, इसके जो चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, समय सारी पट्टियां कट कर ली है। देखिए, हमने थर्माकोल की बॉल ली है, इस तरह हम इसे उल्टा रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे इस तरह और इस तरह बॉल बनाएंगे और सेम धागे से हमसे। देखिए इस तरह, इसी तरह मैं सारी बॉल्स बना लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने सारी बॉल्स बना ली है। अब मैं आपको इसका सिलने का मेथड बताती हूँ। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज रख लिया सीधा, इसको मैं लाइनिंग रखूंगी इस तरह और इसको हम कैनवास रखेंगे। देखिए, इस तरह हम राउंड में सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है और हम इस तरह पलटेंगे अंदर। ठीक है, इस तरह हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। हमने ये लेस भी ली है गोल्डन कलर की, तो हम इस तरह लेस भी लगाएंगे। देखिए, इस तरह मैंने एक सिलाई लगाती है, अब एक सिलाई कोन पे भी लगाएंगे।
देखिए इस तरह मैंने लेस भी लगा दी। इसी तरह मैं दूसरे साइड का भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दो नेक तैयार कर लिए। अब हम नीचे फिनिशिंग देंगे इसमें, फिर हम हुक की और आई की पट्टी लगाएंगे इसमें। देखिए इसमें हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसे, स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी, इसलिए मैं दूसरे में भी फिनिशिंग दे देती नीचे। देखिए इस तरह मैंने दोनों में फिनिशिंग दे दी नीचे। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड हम आई की पट्टी बनाएंगे, तो इस तरह हम इसे नीचे रखेंगे और 1/2 इंच इस तरह दबाएंगे ऊपर, और इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे इसमें। देखिए नीचे भी हम 1/2 इंच इस तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह अब हम फोल्ड करेंगे इसे, 1/2 इंच इस तरह दबाएंगे इसमें, और इस तरह स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैंने इसमें डबल सिलाई भी लगा दी, हुक की पट्टी लगाएंगे। देखिए राइट साइड अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो मैंने ब्लाउज सीधा रख दिया नीचे, और जो हमने पट्टी कट की थी इस तरह हम डबल फोल्ड कर लेते हैं, इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और 1/2 इंच ऊपर दबा देंगे इस तरह, और इस तरह सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, इस तरह हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे, इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे हम इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसे इस तरह, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे हम, बॉल भी लगाएंगे इसमें। देखिए इस तरह ऊपर से हम बॉल लगाएंगे। देखिए फिर हम 1/2 इंच होके फिर बॉल लगाएंगे इस तरह। देखिए इस तरह मैंने बॉल्स लगा दी, और मैंने डबल सिलाई भी लगा दी इसके ऊपर, और जो हमारे नीचे हम इसे एक्स्ट्रा जो हमारा कट कर देते हैं हम। देखिए इस तरह मैंने कट कर लिया, देख सकते हैं। अब नीचे प्लेट डालेंगे। देखिए नीचे हम इस तरह 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरह हम 3.5 इंच तक लंबी प्लेट डालेंगे। इस तरह हम 1/2 इंच होके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी साइड में प्लेट डाल लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों में प्लेट डाल दी है, हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है, देख सकते हैं। देखिए नीचे मैंने फिनिशिंग भी दे दी है, प्लेट भी डाल दी हमने, बॉल्स भी लगा दी है। देखिए हमने यहाँ पे लेस भी लगा दी है, देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से भी सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।